एक बार फिर टूटा है गाबा का घमंड, एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही हराया है किसी टीम ने। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो दोस्तों, ये घमंड तोड़ने वाली टीम इंडिया नहीं है। यूं तो टीम इंडिया का भी घमंड किसी ने तोड़ा है, लेकिन यहाँ मैं टीम इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं बात करने वाला हूँ ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के मैच में। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का जो टेस्ट मैच हुआ, उसकी शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी, क्योंकि पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया था डिक्लेयर। तो दोस्तों, चौथी इनिंग में जो घटा है ना, उसके बारे में हम आपको यहाँ पे बताएंगे, और जिस खिलाड़ी ने रच दिया है इतिहास, उसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, उस खिलाड़ी का नाम है समर जोसेफ। समर जोसेफ वेस्ट इंडीज के गेंदबाज हैं। उन्होंने चौथी इनिंग में 7 विकेट लिए। किसी को नहीं लग रहा था कि वेस्ट इंडीज यहाँ से ये मैच जीत पाएगी, लेकिन उनके जो 7 विकेट थे ना, उसने रच दिया है इतिहास। तो भैया, समर जोसेफ है कौन? 2023 से पहले तो इनको कोई नहीं जानता था, जानेगा भी कैसे, क्योंकि 2023 से पहले इनका डेब्यू हुआ ही नहीं था। इसी सीरीज के दौरान उनका डेब्यू हुआ, और पहली ही सीरीज में उन्होंने रच दिया इतिहास। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये, है कौन ये खिलाड़ी? तो दोस्तों, समर जोसेफ एक बेहद ही छोटे गांव से बिलोंग करते हैं। वो कैरिबियन के एक छोटे गांव से बिलोंग करते हैं, जहां पे जाने के लिए बस तक नहीं जाती। आपको अगर वहां पे जाना होगा तो आपको 2 दिन लगेंगे जाने में, और वो भी नाव में बैठकर आपको जाना होगा। तो 2018 ना उनके गांव में बिजली थी, ना कोई मोबाइल था, और भैया वो काम करते थे पेड़ काटने का काम करते थे, और एक बार वो पेड़ से गिरे थे और मौत के मुंह से वापस आए थे, जिसकी वजह से वे शिफ्ट हो गए। और उसके बाद उन्होंने काम किया सिक्योरिटी गार्ड का, और वो मजदूरी का काम करते थे, और क्रिकेट खेलने के लिए उनके पास वक्त नहीं होता था। केवल संडे का ही दिन था जब वो क्रिकेट खेल सकते थे। इसके बावजूद भी उन्होंने कड़ी मेहनत की, अपना हौसला नहीं छोड़ा, और वो क्रिकेट खेलते रहे, और आज इस मुकाम पर हैं कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर में हरा दिया। और पिंक बॉल टेस्ट, आपको बता दें, जो पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट में पहली बार हारी है ऑस्ट्रेलियाई टीम। तो भैया, ऐसे ही हौसले हो सभी के, तो कहीं भी पहुंच सकते हैं। और टेस्ट मैच के चौथे दिन क्या हुआ था? टेस्ट मैच के चौथे दिन मिचेल स्टार्क की एक गेंद लगी थी समर जोसेफ को, जिसके कारण उनको पिच से बाहर जाना पड़ा, और वे हॉस्पिटल तक पहुंच गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी वे फील्ड में आए, और उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया। तो दोस्तों, एबी डिविलियर इतने महान खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी इस खिलाड़ी की तारीफ करते हुए कहा कि भैया, आपको इस प्लेयर के बारे में जानना बेहद जरूरी है। आप जाइए विकिपीडिया पे देखिए कि ये खिलाड़ी है कौन और कहां से बिलोंग करता है। एबी डिविलियर ने आगे कहा कि मेरी आंखों में तो आंसू आ गए इस खिलाड़ी की हिस्ट्री देखकर। तो भैया, इतने बड़ा खिलाड़ी अगर तुम्हारी प्रशंसा करता है, तो सोचिए आप कैसे खिलाड़ी हैं, कितने महान खिलाड़ी हैं। और ये खिलाड़ी जो है ना, ये आगे जाकर बेहद महान खिलाड़ी बनेगा, ऐसा हमें लगता है। तो भैया, दोनों ही मैच कल रोमांचक हुए थे, एक इंडिया इंग्लैंड का और दूसरा ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज का। स्टार्टिंग में तो ऐसा ही लग रहा था कि एक तरफ इंडिया जीतेगी और दूसरी तरफ जीतेगी ऑस्ट्रेलिया, लेकिन भैया कुछ और ही मंजूर था किस्मत को, और किस्मत पलट गई इंग्लैंड की तरफ, और दूसरी तरफ पलट गई वेस्ट इंडीज की तरफ। तो भैया, आप बताइए, आपको इन दोनों मैचेस में कौन सा मैच ज्यादा अच्छा लगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, और चैनल भी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। उसी के साथ है बेल आइकन, उसको दबाना ना भूले, ताकि जैसे ही हम नई वीडियो लेकर आए, आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तब तक के लिए धन्यवाद।